तो हे गाइस, ये कहानी एक ऐसे लड़की के बारे में है जिसे दो लड़के पसंद करने लगते हैं, बट एक्सीडेंटली उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक था और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहानी की शुरुआत जिमू और यामी से होता है। जिमू और यामी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। जिमू जब भी एक्सरसाइज करता तो यामी उसके ऊपर चढ़ जाती और उसे बहुत परेशान करती। स्कूल में यामी की एक बेस्ट फ्रेंड भी था जो कि ऐसे बहुत ज़्यादा ही मोटा था और वो स्कूल में काफी एडल्ट कैसेट को बेचा करता था। जब भी टीचर को इसके बारे में पता चलता तो टीचर उसे काफी अच्छी तरह से खैर करते थे। इधर जिमू और यामी की दोस्ती काफी अच्छी तरह से चल रही थी और इन दोनों की जिंदगी इसी प्रकार से कट रही थी। लेकिन एक दिन जब यामी अपने घर पे पहुंचती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उनके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है जिनमें उनकी वाइफ भी मर गई है और उनका एक 14 साल का लड़का है जो कि आज से उन्हीं के साथ रहने वाला है क्योंकि वो अनाथ हो चुका है। जब यामी उससे मिलने जाती है तो वो अंधेरे कमरे में अकेले बैठा हुआ था। लेकिन यामी जब उसके पास एक गन को देखती है तो उसे लगता है कि वो कोई खिलौना है और इसलिए यामी उसे छीनने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे यांग यामी को वह गन नहीं देता है और वो जबरदस्ती उसे छीनने की कोशिश करता है। लेकिन जब यामी उसे गन नहीं छीनने देती है तो यांग उसके हाथों पे कस के काट लेता है। अब यह देखने के बाद तो यामी बहुत डर जाती है और वो यहाँ पे समझ जाती है कि यांग मेंटली तौर पे बीमार है और वो बहुत ही गुस्सैल लड़का है और वो अकेले रहना ही पसंद करता है। अब यहाँ पे यामी यांग की मदद करने की कोशिश करती है ताकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन सके। इस दौरान इन दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती है और आखिरकार ये दोनों दोस्त बन जाती है। अब नेक्स्ट डे से यामी यांग को लेकर स्कूल जाने लगती है एंड आफ्टर दैट की यामी यांग की मुलाकात जिमू से करवाती है। यहाँ पे जिमू शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और तभी यांग उसके हाथ से गन लेके वो भी शूटिंग करने लगता है। यहाँ पे यांग के सभी निशाने पूरी तरह से पक्के थे जिसके बाद तो जिमू यांग से बहुत इम्प्रेस हो जाता है एंड आफ्टर दैट कि अब ये तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब यामी हमेशा यांग के साथ मस्ती करना शुरू कर देती है और इसी प्रकार से अब ये दोनों बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे यांग अब यामी को पसंद करने लगा था लेकिन वो कभी भी यामी के पास अपना इजहार नहीं करता था क्योंकि वे दोनों एक ही घर में रहा करते थे और इस बात को यामी बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन यामी भी चुप रहा करती थी। एक दिन जब यामी स्कूल से लौट रही थी तो जिमू उसके पास आकर उसे प्यार का इजहार करता है और यहाँ पे यामी बिना यांग के बारे में सोचे ही जिमू का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन नेक्स्ट डे ही जिमू को आर्मी ट्रेनिंग करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है और इसलिए यामी बहुत उदास हो जाती है। अब धीरे धीरे यामी और यांग भी बड़ी हो जाते हैं और वहीं पे जिमू भी अपनी आर्मी ट्रेनिंग में लगा हुआ था। अब ऐसे करते कुछ दिन बीत जाते हैं एंड आखिरकार जिमू आर्मी ट्रेनिंग से 2 दिनों की छुट्टी लेकर वापस शहर चला आता है जहाँ पे दो यामी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन रात को ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक पार्क में जाती है जहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि ये लोग क्यों जा रहे हैं। बट यहाँ पे इन दोनों की डाल नहीं गलती है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे कॉपर्स आए हुए थे एंड आखिरकार यहाँ पे पुलिस भी चली आती है जिसके कारण इन लोगों को भागना पड़ता है। जिमू की 2 दिन की छुट्टी खत्म हो चुकी थी इसलिए जिमू वापस आर्मी ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। अब इधर यांग और यामी दोनों अकेले पड़ जाते हैं जिसके बाद अब इन दोनों की लाइफ फिर से चलने लगती है एंड आखिरकार यामी अब ग्रेजुएट हो जाती है और उसकी नौकरी लग जाती है। यामी जब न्यू ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात उसके बॉस से होती है। यहाँ पे यामी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इसी वक्त उसका बॉस उसे पसंद करने लगता है। शाम को जब यामी ऑफिस से लौट रही थी तभी रास्ते में उसका बॉस उसे रोक देता है और उसे बातें करते हुए कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, अगर हो सके तो वे दोनों किसी होटल में चल सकते हैं। इस पे तो यामी डर जाती है और वो मना कर देती है और तभी यहाँ पे उसका बॉस उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे उसी वक्त यांग चला आता है जिसके बाद वो यामी को लेकर वहाँ से चला जाता है। बट यहाँ पे यामी यांग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। अब कुछ दिनों के बाद ऑफिस में एक बहुत बड़ा पार्टी होता है जहाँ पे ऑफिस के सभी मेंबर्स आए हुए थे। बट यहाँ पे यामी का बॉस चलाकी से यामी के ड्रिंक में बेहोशी का दवा मिला देता है। जब यामी उस ड्रिंक को पीती है तो उसे चक्कर आने लगता है।
और इसी का फायदा उठाते हुए यामी का बॉस उसे बाथरूम में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे उसी वक्त यामी को होश चला आता है, बट यामी के लाख मना करने के बाद भी उसका बॉस नहीं रुकता है और उसका रेप कर देता है। नेक्स्ट डे जब यामी को होश आता है तो उसके साथ गलत काम हो चुका था और इसलिए यामी अपनी सूझबूझ को खो चुकी है। अब यांग को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है तो यांग बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो अपने बचपन वाले गन को निकाल लेता है, जिसके बाद वो उसी वक्त यामी के ऑफिस पहुँच कर उसके बॉस को जान से मार देता है। अब यामी जब यह सब देखती है तो वो और डर जाती है, क्योंकि चाइनीज पुलिस अब उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे यांग उसे समझाता है कि वो अब यहाँ से भागने वाला है और कभी भी यामी पुलिस को सच ना बताए, और इतना कहकर यांग वहाँ से भाग जाता है। अब इधर चिमू की मॉम उसे कॉल करके इस सभी घटना के बारे में उसे बता देती है। वहीं पे यांग के भाग जाने के कारण यामी बहुत ज्यादा ही रोने लगी थी और वो उदास रहने लगी थी। इधर यांग भी पूरी दुनिया से छुपकर भागने में लगा हुआ था। अब इधर चाइनीज पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए यामी तक पहुंच जाते हैं और वे उसे बार बार यांग के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, बट यामी यहां पे कुछ भी नहीं बताती है और इसलिए चाइनीज पुलिस यामी को ही गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल देते हैं, क्योंकि वो यांग के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। बट यहाँ पे यामी के डैड उसे बेल दिलाकर उसे घर पे ले जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जिमू भी यामी से मिलने के लिए वापस शहर चला आता है, लेकिन यहाँ पे यामी अब जिमू से मिलना तक पसंद नहीं करती है। जिमू यहाँ पे यामी से मिलने की पूरी कोशिश करता है, बट हमेशा यामी उसे अब दूर भागती है। अब इधर यांग को जैसे ही पुलिस के बारे में पता चलता है कि पुलिस ने यामी को गिरफ्तार कर लिया था तो वो बहुत घबरा जाता है और वो उसी वक्त यामी से मिलने के लिए शहर पहुँच जाता है। एंड आफ्टर डैट वो यामी को अपने साथ ले जाता है ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार ना करे, बट यहाँ पे यामी का तबीयत अब खराब पड़ चुका था, क्योंकि वो यांग के बारे में सोच सोच के बहुत ज्यादा ही परेशान रहने लगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यामी सो के उठती है तो उसे एक खत मिलता है जिसे यांग ने लिखा था। यहाँ पे यांग ने लिखा था कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा है और यामी भी अब पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता दे। यहाँ पे यामी अब यांग को रोकने के लिए उसके पीछे भी जाती है, बट तब तक यांग वहाँ से जा चुका था। अब नेक्स्ट डे यांग को गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड आफ्टर डैट की उसके ऊपर मुकदमा किया जाता है, जहाँ पे यांग को किसी इंसान के ऊपर गोली मारने के लिए उसे उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। यह जानने के बाद तो यामी बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है, बट जिमू फिर से उससे बातें करने के लिए उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि वो सिर्फ उसे एक मौका दे, वो उसके साथ जिंदगी भर रहना चाहता है। बट यहाँ पे यामी उसे कुछ जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को फिर से यामी यांग से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुँचती है, लेकिन यहाँ पे यांग तो यामी से बातें तक नहीं करता है और वो अंदर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि यामी उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो और हो सके तो यामी उसके बारे में भूल जाए। लेकिन यहाँ पे यामी बार बार यांग के चिल्ला चिल्ला के उसे मिलने के लिए गुहार लगाती है, बट यांग तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। शाम को जब जिमू यामी से मिलने के लिए यामी के घर पे पहुंचता है तो उसके मॉम डैडी उसे बताते हैं कि यामी अब इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही है और वो फिर कभी यहाँ पे नहीं आएगी। अब यह जानते हैं जिमू किसी प्रकार से स्टेशन पहुंचता है और वो चिल्ला चिल्ला के यामी को रोकने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे यामी जिमू की कोई भी बात नहीं सुनती है, क्योंकि वो ना तो जिमू के साइड जा सकती है और ना ही यांग के साइड जा सकती है और इसलिए वो जानबूझ के इस शहर को छोड़ देती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।